हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम फिलिप लार्किन की फेमस पोएम एम्बुलेंस की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में फिलिप लार्किन डेथ के बारे में बात करते हैं, मौत के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि जिंदगी कितनी क्षणिक है, आज है और कल नहीं, ये इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। द पोएम एम्बुलेंस विच वॉज रिलीज इन 1960 एज सेक्शन ऑफ द लेस डिसीव्ड एग्जामिन्स द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लाइफ। तो ये जो पोयम है फिलिप लार्किन की, जो 1960 में रिलीज हुई थी, ये द लेस डिसीव्ड इस वर्क का हिस्सा थी। यानी द लेस डिसीव्ड ये जो बुक थी उसमें ये एक पोयम थी एम्बुलेंस। और इस पोयम में जैसा मैंने आपको बताया, पोएट बता रहे हैं कि कैसे हमारी जो जिंदगी है, लाइफ है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कितना ज्यादा ट्रांजिएंट है। यानी ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। यानी जिंदगी एक सफर की तरह है जो कब खत्म हो जाए वो पता नहीं चलता। द पोएम पोर्ट्रेज द अर्जेंसी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। तो ये जो पोएम है वो बता रही है कि जो लाइफ है वो कितनी अर्जेंट है, वो कितनी जल्दी जल्दी भाग रही है, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। यानी कल हमारे साथ क्या हो जाए ये हमें पता नहीं है। और पोएम रीडर्स को इंस्पायर कर रही है कि कैसे हमें डीपली कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, यानी बहुत सोचना चाहिए इस बारे में कि कैसे जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए उसे सही मायने में हमें जीना चाहिए। अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस पोएम में लार्किन एम्बुलेंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे सिटी एनवायरनमेंट यानी शहर से जब एक एम्बुलेंस जाती है तो ये एम्बुलेंस कॉन्फेशनल्स की तरह होती है। चर्च में कॉन्फेशनल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग जाकर अपनी गलतियों को मानते हैं किसी प्रीस्ट के सामने और बोलते हैं कि उनसे कोई अपराध हो गया है। तो ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये कॉन्फेशनल्स की तरह हैं जहाँ पर लोग अपने वीकनेस, अपने सीक्रेट जो उनके मन में छुपाए हुए होते हैं वो जाकर बोलते हैं। दे गो थ्रू द बसलिंग सिटी स्ट्रीट्स ड्यूरिंग लाउड ब्राइट डे टाइम आवर्स। तो ये जो एम्बुलेंस है वो बसलिंग सिटी यानी कि शहर की चहल पहल में जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा हो ऐसी सड़कों से वो गुजरती हैं दिन के ब्राइट आवर्स के दौरान। यानी दिन के समय ये गुजरती हैं और जिन लोगों से ये मिलती हैं यानी जो लोग भी एम्बुलेंस में जाते हैं उनके रोने को यानी उनके दुख को वो एम्बुलेंस कॉन्वे नहीं करती। वो बहुत ही न्यूट्रल रहती हैं, बहुत ही हार्श रहती हैं। दे डू नॉट कॉन्वे एनी ऑफ द फीलिंग्स और ग्लैंसेज ऑफ द पीपल दे एनकाउंटर। तो जो लोग उनकी तरफ जिन फीलिंग्स से देख रहे हैं, दुख से देख रहे हैं, उन फीलिंग्स को एम्बुलेंस कन्वे नहीं करती, वो न्यूट्रल रहती है। द एम्बुलेंस आर सेड टू बी स्लीक। इसके बाद फिर पोएट बताते हैं कि एम्बुलेंस ग्रे कलर की है, यानी ये जो ग्रे कलर है वो उसकी न्यूट्रलिटी का प्रतीक है। स्लीक है, बहुत शाइनी है एम्बुलेंस और उस पर इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर। और कभी कभी एम्बुलेंस रास्तों के किनारे कर्ब साइड्स पर रुकती हैं, अलग अलग लोकेशंस पर भी जाकर रुकती हैं। तो स्पीकर कहते हैं कि अल्टीमेटली यानी आखिरकार इस एम्बुलेंस को यानी इन एम्बुलेंसेस को हर स्ट्रीट में जाना है, यानी हर कोई खत्म होगा एक दिन, हर कोई मरेगा, ऐसा स्पीकर कहते हैं। द स्पीकर डिपिक्ट्स द सीन्स दैट विमेन एंड चिल्ड्रन इन द सिटी सी व्हेन एन एम्बुलेंस पासेस बाय। उसके बाद स्पीकर उन सीन्स को बताते हैं हमें कि जहाँ जहाँ से एम्बुलेंस पास होती है वहाँ किस तरह के सीन्स होते हैं। औरतें बच्चे हर जगह होते हैं और औरतें अपनी शॉपिंग से लौट रही होती हैं और आसपास के घर से डिनर खाना बनने की महक आ रही होती है। और जो बच्चे हैं वो सड़कों पर घूम रहे होते हैं और जब वो देखते हैं कि एक एम्बुलेंस आ रही है किसी पेशेंट को लेकर तो वो जो बच्चे हैं वो चौंक जाते हैं, दे आर स्टार्टल्ड। तो इन एम्बुलेंस में जो पेशेंट्स होते हैं उनके चेहरे मुरझा चुके हैं, पेल हो चुके हैं, यानी उनका चेहरे का जो कलर है वो पूरा निकल चुका है और वो टेरिफाइड है यानी बहुत डरे हुए हैं। और जिन स्ट्रेचर पर वो लेटे हुए हैं और ब्लैंकेट्स जो ओढ़े हुए हैं वो रेड कलर की हैं। और इस तरीके से उन पेशेंट्स के चेहरे में और वो जो रेड कलर के स्ट्रेचर हैं उन दोनों में ये एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है। तो इस तरीके से उन पेशेंट्स को, इंजर्ड और सिक लोगों को एम्बुलेंस ले जा रही है
और जहाँ पे भी पेशेंट होता है एम्बुलेंस जल्दी से आती है और मेडिकल केयर के लिए पेशेंट को ले जाती है। द स्पीकर कंसिडर्स द डीपर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस तरीके से जो स्पीकर हैं वो बताते हैं कि इंसान की का जो एग्जिस्टेंस है उसकी क्या रियलिटी है, उसकी क्या सच्चाई है। ही क्लेम्स दैट बिहाइंड ऑल ऑफ अवर एवरीडे एक्टिविटीज। तो वो कहते हैं कि रोजमर्रा की ये जो हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी अलग अलग जो चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को मोहित रखते हैं और डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उन सभी चीजों की जो एक अंडरलाइंग रियलिटी है वो एम्प्टीनेस है, यानी खालीपन है, मीनिंगलेसनेस है। यानी जो कुछ भी हम करते हैं उसका कोई उपयोग या कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन हर किसी को मर जाना है। पीपल मे ऑन रेयर ओकेशंस कैच अ ग्लिम्स ऑफ दिस एम्प्टीनेस एंड सेंस इट्स प्रोफाउंड रियलिटी। तो बहुत बार लोगों को जब वो खाली बैठे होते हैं, शांत बैठे होते हैं, तो उन्हें समझ में आता है इस रियलिटी के बारे में, इस एम्प्टीनेस के बारे में। द फिक्स डोर्स ऑफ बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर अपीयर टू मूव बैकवर्ड ऑलमोस्ट एज इफ दे वर फ्लीइंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ्स एम्प्टीनेस। तो स्पीकर यानी पोएट कहते हैं कि कैसे बिल्डिंग्स के जो दरवाजे हैं वो भी पीछे की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि वो भी यानी बिल्डिंग के जो दरवाजे हैं वो भी लाइफ के एम्प्टीनेस से भाग रहे हों। तो जो स्पीकर है उन्हें ऐसे लोगों के लिए बहुत दया महसूस होती है जो ऐसी बिल्डिंग्स में कैद हैं और जो ऐसे स्ट्रक्चर्स में ट्रैप्ड हैं जिन्हें अपनी मोर्टैलिटी को, अपनी जो वो एक दिन मर जाएंगे इस चीज को उन्हें फेस करना है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द ह्यूज इम्पैक्ट दैट डेथ एंड लॉस हैव ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जो स्पीकर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं डेथ के बारे में और लॉस के बारे में कि डेथ और लॉस का ह्यूमन एक्सपीरियंस पर, इंसानों पर क्या असर होता है, और ये जो डेथ है और लॉस है कैसे अनएक्सपेक्टेडली यानी अचानक से ही एक दिन आ जाती है, लेकिन जब ये मौत आती है तो उससे क्या होता है, एक खालीपन रह जाता है, एक वॉइड रह जाती है, एक साइलेंस, एक शांति रह जाती है मौत होने के बाद। इट इज सेड दैट द सडननेस ऑफ लॉस इज लाइक अ सडन शट ब्रिंगिंग अप इमेजेस ऑफ डोर्स क्लोजिंग सडनली। तो वो कहते हैं कि ये जो सडननेस है यानी ये जो लॉस या ये जो मौत है जो अचानक जो आती है, एक सडन शट की तरह है, एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो अचानक बंद हो गया हो। द स्पीकर कॉन्टेम्पलेट्स द एजिंग प्रोसेस। उसके बाद जो स्पीकर है वो एजिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे धीरे धीरे इंसान जवानी से बुढ़ापे की ओर जाता है और अपनी मौत के करीब पहुंचता है। द पोएम एम्फेसाइजेस हाउ एज वी इंक्रीजिंगली डिस्टेंस आवरसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फिजिकल लाइफ आर अटैचमेंट टू देम वीकेंड्स। तो जो पोएम है वो एम्फेसाइज करती है, इंपॉर्टेंस डालती है इस बात पे कि कैसे हम लोग जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा जो दुनिया से और अपनी फिजिकल बॉडी से जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ता जाता है, हमारा अटैचमेंट कमज़ोर होता जाता है और हम अकेले पड़ते जाते हैं और ह्यूमन कनेक्शन से कट ऑफ हो जाते हैं। और ये जो ह्यूमन कनेक्शन है वो एक पासिंग ट्रैफिक की तरह है। तो जैसे ट्रैफिक में गाड़ियां गुजर रही होती हैं उसी तरीके से जिंदगी गुजर रही होती है। यहाँ पर एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है ये। आर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट बिकम्स डल्ड। तो ये हमारा जो वर्तमान काल को लेकर जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, वो डल होते जाता है और जैसे जैसे मौत आती है हम अपनी जीवन की सच्चाई से सेपरेट होते जाते हैं और फाइनली मौत हमें एनगल्फ कर लेती है और हम मारे जाते हैं। यहीं पर जो पोयम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोयम एम्बुलेंसेज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।